हेलो फ्रेंड्स और कैसे हैं आप सब सो so फ्रेंड्स आज हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री क्या है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री सो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है वो एक लाइफ साइंस कैटेगरी का है सी एस आई आर सी एस आई आर दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन आया था अभी जो दिसंबर में जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था सो so फ्रेंड्स इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है वो किस यूनिट से है सबसे so, पहले तो किस यूनिट से है तो वो है यूनिट नंबर थ्री यूनिट नंबर थर्ड से है एंड यूनिट नेम इज़ फंडामेंटल प्रोसेस एंड उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन होता है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है ओके फ्रेंड्स तो हाँ अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के बारे में कि इसमें क्या पूछा गया था एंड इसका आंसर क्या था सो so फ्रेंड्स इसमें जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी प्रोटीन कैन एक्ट एज ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेटर ऑन बाइंडिंग टू द सेम डी एन एलिमेंट ओके तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया था कि ऐसी रेगुलेटरी प्रोटीन के बारे में बताओ जो एक्ट करती हो पॉजिटिव भी और नेगेटिव रेगुलेटर की तरह पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेटर की तरह जो है एक्ट करती हो ओन बाइंडिंग टू द सेम डीएनए एलिमेंट सेम डीएनए एलिमेंट पर सेम डीएनए एलिमेंट तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है न, चार ऑप्शन दिए गए थे नंबर वन लैक रिप्रेसर नंबर टू लैमडा रिप्रेसर नंबर थ्री एरे सी प्रोटीन एंड ट्रिप्टोफेन रिप्रेसर या टी आर पी रिप्रेसर ट्रेप रिप्रेसर ओके okay, फ्रेंड्स और इसमें जो आंसर था आंसर था हमारा आंसर नंबर टू ऑप्शन नंबर टू जो हमारा ये ऑप्शन था जो हमारा ऑप्शन टू था वही हमारा राइट right आंसर था ऑप्शन नंबर टू एंड सॉरी मैं पहले बता नहीं पाई ये जो पार्ट uh, है वो पार्ट बी का क्वेश्चन है ये जो है पार्ट बी का क्वेश्चन है एंड uh, ये जो है इसका आंसर क्या है आंसर टू है लेमडर रिप्रेसर सी आई रिप्रेसर लैमडर रिप्रेसर क्या होता है लेमडर रिप्रेसर एक वायरल रिप्रेसर है क्या है वायरल ओके okay. तो वायरल रिप्रेसर है एंड ये जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेटर है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेटर रेगुलेटरी प्रोटीन की तरह एक्ट करता है सो फ्रेंड्स आंसर इज लेडा रिप्रेसर जो एक वायरल रिप्रेसर है एंड अगर हम इन तीन की बात करें तो ये तीनों जो हैं वो क्या होता है लैक रिप्रेसर एड सी प्रोटीन एंड ट्रिप्टोफेन रिप्रेसर ये तीनों जो होते हैं ये तीनों ही जो हैं वो एक बैक्टीरियल रिप्रेसर होते हैं सो फ्रेंड्स आंसर इज़ टू यहाँ पे मैंने जैसे लिखा हुआ भी है कि लैक आ, लैक आई या एरे ट्रेप्टोफेन आ, रिप्रेसर प्रोटीन बैक्टीरियल रिप्रेसर हैं क्या हैं ये ये बैक, बैक्टीरियल रिप्रेसर होते हैं एंड सी फर्स्ट जो है एक वायरस रिप्रेसर है या वायरल रिप्रेसर है जो कि इसमें होता है बैक्टीरियो फेज में होता है एंड इसको हम जो है एलिमिनेशन मैथड के थ्रू भी इस क्वेश्चन को, को कर सकते थे क्योंकि ये जो हमारे पास तीन ऑप्शन थे वो बैक मेटीरियल रिप्रेसर थे, थे एंड एक लैमडा रिप्रेसर ही था जो क्या था वायरल रिप्रेसर था सो so फ्रेंड्स अगर हम इन इनके बारे में डिटेल्स में अगर देखना चाहें तो क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे जो है ट्रिप्टोफेन रिप्रेसर ट्रिप्टोफेन रिप्रेसर क्या होता है ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग एमिनो एसिड एमिनो एसिड मेटाबोलिज्म होता है तो ये जो है कंट्रोल करेगा एमिनो एसिड के सिंथेसिस सिंथेसिस को एंड इट हैज़ बीन इट हैज़ बीन बेस्ट फोर स्टडी फोर स्टडीड इन इकोलाई ओके ये इकोलाई e. में बेस्ट मतलब स्टडी करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है एंड वेयर इट इज़ ए डायमेरिक प्रोटीन दैट रेगुलेट्स ट्रांसक्रिप्सन ऑफ फाइव प्राइमजीन इन द ट्रिप्टोफेन ओपेर किसमें होता है ये होता है ट्रिप्टोफेन ओपेरोन में इसी के नाम से होता है ट्रिप्टोफेन रिप्रेसर रिप्रेसर मतलब रिप्रेस करता है ये उसको रोकने का काम करता है रिप्रेसर डज नॉट अलाउ बाइंड टू डी एन जो है डी एन ए बाइंड होने के लिए अलाउ नहीं करता इसीलिए ये आंसर नहीं था जैसे कि यहाँ पे आप देख पाए होंगे क्या लिख रहा है कि ट्रिप्टो फैन रिप्रेसर डज नॉट अलाउ बाइंड टू रि बाइंड टू बाइंड टू डी लेकिन यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा गया था कि उसमें पूछा गया था कि ओन बाइंडिंग टू द सेम डीएनए एलिमेंट एंड ये तो जो है अलाव ही नहीं करता डी पे बाइंड होने के लिए इन इट बाइंडस एंड ब्लॉक ट्रांसक्रिप्सन ओनली वहन ट्रिप्टोफेन इज प्रजेंट ये तभी जो है ब्लॉक करेगा जब जो है ट्रिप्टोफेन प्रजेंट होगा नहीं तो ये जो है उसको ट्रांसक्रिप्सन uh, को ब्लॉक नहीं करेगा आई होप कि आपको समझ आ गया हो एंड ये जो हमारे पास है रैक्सी रिप्रेसर एंड जो हमारा थर्ड था थर्ड पॉइंट था, 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 था रैक्सी रिप्रेसर पहले मैं आपको रैक्ससी के बारे में बता देती हूँ रैक्सी रैक्सी प्रोटीन जो होती है वो भी एक रिप्रेसर की तरह काम करती है प्रोटीन रिप्रेस रिप्रेस जीन जीन ओके जीन को रोकने का रिप्रेस करने का काम करती है एंड एम आई सी प्रोटीन रिप्रेस ट्रांसक्रिप्शन एम आई जीन को जो है रिप्रेस करेगी एंड जो रैक्सी होता है वो एरे ए आर एस सी रिप्रेसर जो होता है वो रिप्रेसर की तरह भी एंड एक्टिवेटर की तरह दोनों की तरह बिहेव करता है तो फ्रेंड्स ये ये थ्योरी से पहले आप ये डायग्राम देख लो तो यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जैसे डायग्राम वन में है ये क्या आता है आर एस सी एंड आर एस सी दो एक तरीके से दो बाइंड ये इस तरह से दो जो हैं प्रोटीन है रिप्रेसर है एंड इनके इन इन पे अगर एरे बी नोज जो है आके बाइंड हो जाएगा तो ये इस तरह से एक्टिवेटर की तरह काम करेंगी एंड एरे बैड जीन ऑन होगा कब ऑन होगा जब ये साइट वन एंड साइट टू पे इस तरह से साइट वन एंड साइट टू पे एक्टिवेटर अगर बाइंड होगा तो क्या होगा जीन जो है ऑन होगा उस पर जो है सिग्मा सिग्मा फैक्टर एंड पोलीमरी आर एन ए जो है ऑपरेटर साइट पर आके बाइंड हो जाएगा एंड जो है इसका डीएनए का सॉरी जीन का सिंथेसिस सॉरी प्रमोटर साइट पे जो है सिग्मा एंड आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो जाएंगे सिग्मा फैक्टर एंड आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे आके बाइंड होंगे उससे क्या होगा कि अरे बैड जीन जो है वो एक्टिव जो जीन है उसका सिंथेसिस हो जाएगा प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा एंड अगर ये ऑफ होता है तो तब क्या होता है तब जो है साइट टू जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है साइट साइट टू एंड साइट थ्री साइट टू एंड साइट थ्री पे जो है ये एरे सी ए आर ए सी जो प्रोटीन है या रिप्रेसर प्रोटीन है वो आके यहाँ पे बाइंड हो जाएगी इन दोनों पे एंड जिससे जिससे क्या होगा कि जो है जीन ऑफ रहेगा जिसके कारण जो है क्या रहेगा जीन ऑफ रहेगा प्रमोटर साइट पे जो है फैक्टर एंड डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड नहीं होंगे और अगर वो बाइंड नहीं होंगे तो क्या नहीं होने का जीन का जो है ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो प्रोटीन जो है हमें नहीं मिलेगी तो फ्रेंड्स ये किसके बारे में बात थी ये थी हमारी रैक सी प्रोटीन के बारे में एंड अगर हम लैमडा सी फर्स्ट सी फर्स्ट के बारे में रिप्रेसर के बारे में बात करें तो वो क्या होता है वो होता है एक वायरल रिप्रेसर है ये सबसे पहले तो क्या है वायरल रिप्रेसर क्यों जैसा कि हमारा आंसर भी यही था तो ये होता है सी सी फर्स्ट इज ए ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर ये क्या होता है इनहिबिटर ऑफ द बैक्टीरियो फेज किस में होता है बैक्टीरियो फेज लैमडा लैमडा बैक्टीरियो फेज लैमडा एंड आल्सो नन एज़ क्या कहते हैं इसको हम ल्सो नॉन एज लैमडा रिप्रेसर इसे हम जो हैं लैमडा रिप्रेसर भी कह सकते हैं सी फर्स्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैंटेनिंग मैन मेंटेनिंग द लाइसोजेनिक लाइफ साइकल ऑफ फेज लैमडा किसकी फेज लैमडा एंड दिस इज अचीवड वैन टू रिप्रेसर डाइमर बाइंड कोपरेटिवली टू एडजेंट ऑपरेटर साइट ऑन द डीएनए किस पे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है यही हमारा आंसर था कि ऑपरेटर साइट ऑन डीएनए और डीएनए पे जाके जो है ये क्या हो जाता है बाइंड हो जाती है जो डाइमर साइट होती हैं एंड यही हमारा आंसर था आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से था क्यों था एंड लैक रिप्रेसर लास्ट हमारा जो है क्या है लेक रिप्रेसर लैक रिप्रेसर के बारे में क्या है के इज ए डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन दैट इनहिबिट इनहिबिट्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन कोडिंग फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज इन बैक्टीरिया लैक्टोज इन बैक्टीरिया अगर जो है इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज इन बैक्टीरिया जो है ये भी एक रिप्रेसर की तरह काम करेगी ओके okay, लैक रिप्रेसर जिसे बैक्टीरिया में जो होता है ओके फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो एंड ये जो है हमारा ये क्वेश्चन ही था तो इसमें जो है क्वेश्चन एक बार और आप देख सकते हैं कि लैक रिप्रेसर पूछा लैक रिप्रेसर था लैमडर रिप्रेसर और ए ए आर सी प्रोटीन एंड ट्रिप्टोफेन रिप्रेसर सो फ्रेंड्स इसमें जो आंसर था आंसर नंबर टू इज राइट आंसर लैमडा रिप्रेसर क्योंकि ये क्या है ये एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेटर है ऑन बाइंडिंग टू द सेम डी एन एलिमेंट्स एंड ये एक रेगुलेटरी प्रोटीन है आई होप कि आपको समझ में आ गया हो वैसे चारों ही जो है रेगुलेटरी प्रोटीन है बट लैमडा फेज इज वायरल वायरल रिप्रेसर एंड वायरल रिप्रेसर एंड ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जो है दोनों की तरह जो है एक्ट करता है दोनों के लिए जो है रिप्रेसर प्रोटीन है बाइंडिंग टू द सेम डीएनए एलिमेंट्स एंड ये यहाँ पे जो है ट्रिप्टोफैन का दिखाया हुआ है ट्रिप्टोफेन में दिखाया हुआ है जिन किस तरह से जो है इनएक्टिव रिप्रेसर होगा अगर जो है इनएक्टिव रिप्रेसर होगा यहाँ पे देखो अगर ये अगर इन इनएक्टिव रिप्रेसर है तो इसका जो है जीन का सिंथेसिस हो जाएगा और हमें जो है प्रोटीन मिल जाएगी लेकिन अगर जो है ये एक्टिवेट है अगर जो है हमारा जो है इनएक्टिवेट रिप्रेसर है और उस पर जो है ये आकर बाइंड हो गया ट्रिप्टो फैन इस तरह से आकर बाइंड हो जाएगा तो उससे क्या होगा ये जो है ऑपरेटर साइट को ब्लॉक कर देगा यहाँ पे यहाँ या, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्या कर देगा ऑपरेटर साइट को ब्लॉक कर देगा जिसकी वजह से जो है हमें जो है जीन का सिंथेसिस नहीं हो पाने का ट्रांसलेशन जो है नहीं कर पाने का ओके तो ये क्या है कि ये जो है सिंथेसिस प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाने का अमीनो एसिड का सिंथेसिस नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा ये जो होगा जीन ऑफ हो जाएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे जो है जीन ऑन रहेगा आई होप कि आपको ये समझ में आ गया ट्रिप्टो ट्रिप्टो फैनोपेर का जो है ये डायग्राम है एंड ये भी एक ऐसे ही डायग्राम है ट्रिप्टो फैन का जो सेम डायग्राम है आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो पहले वाले से ही एंड इसमें भी ऐसे ही है कि अगर जो है उस पर प्रोटीन बाइंड हो जाएगी तो वो जो है एक्टिव साइट को जो है यहाँ पे जो इसकी जो है एक्टिव साइट होगी उस पर जाके बाइंड हो जाएगा एंड जो है जिसकी वजह से या सिग्मा फैक्टर बाइंड नहीं होने के एंड ये जो है ये है लेमडा लैमडा रिप्रेसर लैमडा रिप्रेसर क्या होता है वैन सी फर्स्ट इज एक्सप्रेस टू ए सी फर्स्ट प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड तो इसमें क्या होता है सी सी फर्स्ट प्रोटीन जो है बाइंड हो जाती है रीजन वन एंड रीजन टू सी फर्स्ट प्रोटीन बाइंड टू द टू ओपे ऑपरेटर रीजन टू ऑपरेटर रीजन पे जाके बाइंड हो जाती है रीजन वन एंड रीजन टू कोऑपरेटिवली वन मोलिक्यूल हेल्प अनादर बाइंड ओके फ्रेंड्स एंड यही हमारा जो है आंसर था आई होप कि आपको जो है ये समझ में आ गया इस तरह से जो है क्या करते हैं ये एक डाइमर बना लेते हैं जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है ये क्या कर लेते हैं ये इस तरह से यहाँ पे जो है डायमर बना के जो है इन पे रीजन वन रीजन टू एंड रीजन थर्ड इस तरह से इस पे आके बाइंड हो जाते हैं और क्या करते हैं रिप्रेस करते हैं ओके रिप्रेस करते हैं और किसके लिए है ये ये है लेमडा फेज रिप्रेसर लैमडा के लिए होता है एंड एक लास्ट डायग्राम जिससे आपको जो है ये समझ में आएगा कि पॉजिटिव रेगुलेशन एंड नेगेटिव रेगुलेशन क्या है इज़ पॉजिटिव रेगुलेशन एंड व्हाट इज नेगेटिव रेगुलेशन पॉजिटिव रेगुलेशन क्या होता है कि जब एक्टिवेटर जो है जब क्या होता है कि एक्टिवेटर जब एक्टिव साइट जब जो है ऑपरेटर साइट पे एक्टिवेटर आके बाइंड हो जाता है एक्टिवेटर के बाइंड होने की वजह से जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है ऑन रहता है ऑन होता है ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ऑन होता है ट्रां ट्रांसक्रिप्शन नहीं सॉरी जो ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा जीन का जो है ट्रांसलेशन ऑन हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन होगा ओके एंड अगर जो है अगर जो है यहाँ पे क्या होगा कि अगर जो है ऑपरेटर साइट पे एक्टिवेटर नहीं बाइंड हो पाया किसी भी जो है किसी भी वजह से एक्टिवेटर यहाँ पे आके बाइंड नहीं हो पाया ऑपरेटर साइट पे तो क्या होगा कि जो नो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा ओके okay, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन अगर है अगर पॉजिटिव है अगर एक्टिवेटर पॉजिटिव है मतलब वो है तो क्या होगा वो जो है ट्रांसक्रिप्शन होगा पॉजिटिव रेगुलेशन होगा एंड नेगेटिव रेगुलेशन क्या होगा कि जब जो है रिप्रेसर अगर रिप्रेसर बाइंड हुआ अब तक हम बात कर रहे थे एक्टिवेटर की लेकिन अगर रिप्रेसर बाइंड हो गया ऑपरेटर साइट पे तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा क्या नहीं होगा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा लेकिन अगर ऑपरेटर साइट पर रिप्रेसर नहीं है अगर ऑपरेटर साइट पर रिप्रेसर नहीं है तो क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन जो है वो होगा तो इसमें तो जो पॉजिटिव एक्टिवेटर है जो पॉजिटिव एक्टिवेटर है उसमें तो अगर जो पॉजिटिव एक्टिवेटर है उसमें तो अगर होगा तब ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव रहेगा एंड अगर जो है नेगेटिव रिप्रेशन में क्या होगा कि रिप्रेसर जब नहीं होगा तब ये जो है एक्टिव रहेगा आई होप कि आपको ये जो है क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ पॉजिटिव रेगुलेशन एंड व्हाट इज़ नेगेटिव रेगुलेशन पॉजिटिव रेगुलेशन में एक्टिवेटर होता है एंड नेगेटिव रेगुलेशन में जो है रिप्रेसर होता है एक्टिवेटर के होने से जो है ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगा एंड जो है रिप्रेसर के होने से ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा ये नेगेटिव रेगुलेशन में होगा आई होप कि आपको जो है ये क्लियर होगा एंड फ्रेंड्स प्लीज़ इसको जो है वीडियो को शेयर करें लाइक करें एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो ओ, आपको कैसी लगी या टॉपिक आपको एक किस तरह के लग रहे हैं एंड प्लीज़ uh, जो है शेयर करें एंड कमेंट तो जरूर करें ताकि मुझे पता चल सके कि मैं जो हूँ वो सही कर रही हूँ या जो है मुझे कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और आपको किस तरह की जो है पी चाहिए इन वीडियोज़ में एंड प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब नाउ एंड थैंक यू